अगर आप भी एक स्टूडेंट है और आप भी यहाँ पे एक बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब आपके पास गाइडेंस का कोई भी मेथड नहीं बच पाएगा तो उस समय ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वैसे तो जब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें तो उस कंडीशन पर ही यूज़ करें जब आप किसी क्वेश्चन में यहाँ पर फंस जाएँ, क्योंकि उस समय आपको गाइडेंस ना मिल पाए तो ही उस सिचुएशन में आप इस एप्लीकेशन को यूज करिएगा। और अगर आप खुद से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपका माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो कोशिश ये करिएगा जब आप किसी गाइडेंस आपको ना मिल पाए कोई भी गाइडेंस, तो आप इस एप्लीकेशन को जो यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होने वाली, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं बात करने वाला हूं इसी मैथ की एप्लीकेशन के यहाँ पे बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको एक बेस्ट ऐप चाहिए मैथ को सॉल्व करने के लिए, मतलब स्कैन के थ्रू आप आराम से इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन में कहीं फंस जाएं, आपको कोई गाइडेंस ना मिले, तो आप इस एप्लीकेशन को प्रिफेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी बताने वाले हैं। और मैंने एज एग्जांपल एक यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है। मैक्सिमम 18 MB के आसपास की ये एप्लीकेशन है, आप आराम से इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को जो है जस्ट ओपन कर देना है कुछ इस तरीके से। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ऑप्शन जो है नजर आ जाएगा, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको जो है AI मैथ का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको एक कैमरा टाइप का दिख रहा है, तो इसी कैमरे पे क्लिक करने पे आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा और वो क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे टैप कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओनली दिस टाइम जो है यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। आप इतना करने के बाद जो है देख सकते हैं आपका यहाँ पे कैमरा जो है ओपन हो चुका है। आप कैमरा ओपन होने के बाद आपको क्वेश्चन को ऐसे रखना है, जहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन का स्कैन करना है उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट के बाद सिंपल आपको वेट करना है थोड़ा सा सेकंड्स का, ठीक है। कुछ सेकंड्स में आपको यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन जो है प्रोवाइड हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप भी वहां पे मेथड आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फिलहाल ये स्कैन कर रहा है, ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी, ठीक है। आपके अगर एरिया में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आपको स्कैन करने का जो रिजल्ट है वो तुरंत इंस्टेंट ऑन द स्पॉट जो देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करना है जब तक ये यहाँ पे स्कैन कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जरूर से वेट कर लेना है और कहीं ना कहीं भाई ये काफी अच्छा एक मेथड मिल जाता है जिससे जो है आप इजिली जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हमको रिजल्ट जो है प्रोवाइड हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर भी हमको देखने को मिल गया है। और जो क्वेश्चन लिखा हुआ था सेम वही क्वेश्चन जो है हमने स्कैन जो किया था, 3x + 5x + 10 - 10 = 20, तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अब हमको इसके यहाँ पे स्टेप्स में जो है टैप करना है। जैसे ही स्टेप्स में हम टैप करेंगे तो यहाँ पे स्टेप वाइज जो है सारे आपको आंसर मिल जाएंगे देखने को। देख सकते हैं स्टेप 1 में क्या क्या किया गया, स्टेप 2 में क्या किया गया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप जो है 3 मिल जाता है एंड स्टेप 4 में आपको जो है आंसर मिल जाता है देखने को। तो कहीं ना कहीं सारे स्टेप्स में जो है प्रोसीजर को दिया गया है और इस प्रोसीजर को देख के आप इसको समझ सकते हैं कि हाँ इस प्रोसेस को जो है कैसे किया गया है। तो इससे आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है यहां पे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप क्वेश्चन करते हैं और आपको एक यहां पे मेथड नहीं मिलता, स्टेप नहीं मिलता कि इसके बाद हमको करना क्या होगा, तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं आराम से, इजिली आप आराम से देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी अच्छा ऐप है जो कि आप जो है आराम से इजिली जो है यहां पे से मैथ के क्वेश्चन के आंसर को जो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपली आपको ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आ गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।